तो इसमें मज़ीद अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन अवेलेबल इन द मशीन शॉप हमें मिल सकती हैं। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लेथ मशीन हो सकती है, मशीन शॉप का पार्ट, और शिपर मशीन हो सकती है, मिलिंग मशीन, प्लानिंग मशीन, प्लानिंग मशीन, ठीक है, ये प्लानिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। शेपिंग और प्लानिंग ये दो थोड़े अल्टरनेटिवली जो है ना वो यूज़ होते हैं प्रोसेस, और ये मेटल वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह ड्रिलिंग होती है और ग्राइंडिंग वर्क होता है और थ्रेडिंग मशीन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो मशीन है वो लेथ मशीन है। लेथ मशीन क्या होती है? लेथ इज़ अ पावर्ड मैकेनिकल डिवाइस इन विच द वर्क इज हेल्ड एंड रोटेटेड अगेंस्ट द सूटेबल कटिंग टूल फॉर प्रोड्यूसिंग सिलेंड्रिकल फॉर्म इन द मेटल वुड और एनी अदर मशीनेबल मटीरियल। वही बात जो हमने पहले की है, ये हमारी जो है ना वो एक सिम्बॉलिक लेथ मशीन पड़ी हुई है। इसके ऊपर अगर हम गौर से देखें तो प्रोसेस इसका यही है सिंपल कि आपने ये आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा है लेथ मशीन का, ठीक है। इसके अंदर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कह देते हैं कि ये है हमारा हेड स्टॉक, ठीक है। ये सारा ये वाला पार्ट इसे हेड स्टॉक कहते हैं। इसके अंदर ही हमारा मेन कंट्रोल होता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो पावर इसमें कहाँ से आ रही होती है, इलेक्ट्रिकल पावर पीछे से जो है ना वो केबल के ज़रिए से कनेक्टेड होती है मोटर के साथ। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम अभी यहाँ पे तो नहीं दे सकते, थोड़ी ये एक पिक्चर है, इसके ये वाला जो पार्ट है इसके दूसरी तरफ मशीन मोटर लगी होती है जो कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड होती है, और जैसे वो ऑन होती है और आउटपुट के ऊपर रोटरी मोशन देती है, वो रोटरी मोशन आगे गेयर बॉक्स के ज़रिए से यहाँ तक पहुँचती है स्पिंडल को रोटेट करवाने के लिए, और वो स्पिंडल के आगे लगा होता है ये चक, चक रोटेट करता है, और चक के अंदर हमने वर्क पीस रखा होता है तो वर्क पीस भी रोटेट करता है, ठीक है। चक की और वर्क पीस की रिलेटिव मोशन ज़ीरो होती है, इस वजह से जिस स्पीड के ऊपर चक मूव करता है उसी स्पीड के ऊपर हमारा, उसी रोटेटिंग स्पीड के ऊपर हमारा जो है ना वो वर्क पीस को रोटेट कर रहा होता है, ठीक है जी। और वर्क पीस के साथ जब इन कॉन्टैक्ट किसी भी हार्ड मटेरियल के टूल को लेकर आएंगे तो वो वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करवाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो टूल पोस्ट लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पे टूल लगता है, ठीक है। वो टूल और वर्क पीस इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो वर्क पीस के ऊपर से मटीरियल को रिमूव किया जा सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, ये पार्ट आपको पता होने चाहिए, एक एक पार्ट और इनका फंक्शन इसी मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, वो आपने गौर से पढ़ना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों को हम अगर डिस्कस करें तो इसमें स्पिंडल स्पीड सिलेक्टर होता है। सबसे पहले ये दो लीवर लगे हुए हैं, इनके ज़रिए से स्पिंडल की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। स्पिंडल स्पीड जो है वो हमारी RPM होती है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। उसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा वर्क पीस होता है उसको हम अगर उसमें ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, हमें उसकी जो आउटर सरफेस है उसकी ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, तो हमें ज़्यादा स्पीड के ऊपर इसको रोटेट करवाना होता है, जो कि आमतौर पर जब हम फिनिशिंग कर रहे होते हैं अपने वर्क पीस की उस वक्त हमें ज़्यादा स्पीड के ऊपर कम मटेरियल को रिमूव करना होता है ताकि रफनेस हमारी कम से कम हो और स्मूथ सरफेस रिसीव हो हमें, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम रफ कट लगा रहे हैं, यानी कि शुरू में अगर काटना जैसे हमने स्टार्ट किया है अब मटेरियल और भी रिमूव करना है, तो शुरू के अंदर जो मटेरियल रिमूव करते हैं उसे हम रफ कट कहते हैं, उसमें ज़्यादा मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं थोड़ी स्पीड के ऊपर, सही है। तो शुरू में हमें स्पिंडल स्पीड कम चाहिए होती है और एंड पे फिनिशिंग के लिए ज़्यादा स्पिंडल स्पीड चाहिए होती है। ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैंने बताया, इसके अलावा भी इसके यूजेस हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो नॉब्स और डिफरेंट हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, और हर किसी का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। फीड सेलेक्टर है, हमें जो है ना वो मटेरियल ऑटोमेटिक फीड के दौरान हमने फीड क्या रखनी है मटेरियल की, यहाँ पे एक लीड स्क्रू लगा होता है नीचे, वो लीड स्क्रू जो है वो हमारी ऑटो फीड के लिए यूज़ होता है। जब हम उसे एंगेज कर देते हैं तो मशीन को बहुत जो है ना वो कंट्रोल करती है अपनी स्पीड को, और जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसी तरीके से वो सारा प्रोसेस परफॉर्म करती है। कटिंग का थ्रेडिंग आमतौर पे हम ऑटोमेटिक ही करते होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो है ना इसके अंदर आप देख सकते हैं टूल पोस्ट है, कंपाउंड रेस्ट है, और क्रॉस स्लाइड है, ये आगे जो है ना क्रॉस के अंदर मूव कर सकती है, इसे क्रॉस स्लाइड कहते हैं।
ठीक है, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वर्क पीस के रिलेटिव आपको टूल को मूव करना होता है, तो इसलिए आपको क्रॉस स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है। ये कैरेज है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैरेज है, इसको आप हॉरिजेंटली ये जो स्लाइड वेज हैं इनके ऊपर मूव करवा सकते हैं। ये स्लाइड वेज बने हुए हैं, ये दिखाए हुए हैं इसमें वेज। इसी तरीके से डेड सेंटर, ये डेड सेंटर होता है, ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्क पीसेस होते हैं उनको उनका सेंटर मेंटेन करने के लिए यहाँ से होल्ड किया जाता है और इस तरफ से सेंटर लोकेट करके वहाँ पे सेंटर के साथ यहाँ पे डेड सेंटर को इंगेज किया जाता है ताकि सेंटर आउट ना हो मटेरियल का ड्यूरिंग वर्क। इस तरीके से हमारे पास जो है वो टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक असेंबली और हैंड व्हील और ये बेड है। इस तरीके से ये लीड स्क्रू है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये सबसे ऊपर लीड स्क्रू है। उसके बाद फीड रॉड है, फिर क्लचेस हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स फीड कंट्रोल है, ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह स्प्लिट नट है, स्प्लिट नट को इंगेज या डिसंगेज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। सामने वाले पार्ट को एप्रन कहते हैं। तो ये सारी ये चिप पैन है, जब चिप्स यहाँ से गिरती हैं सारी इसमें इकट्ठी होती हैं। इसी तरीके से जो है ना वो यहाँ पे हम इसके ऊपर कूलेंट भी चला सकते हैं, जब हमने इसकी वर्किंग करनी होती है तो कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है। कूलेंट जो है वो हीट को कम से कम रखता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग और टूल को वियर आउट होने से बचाता है, और अपने इसके जो है ना वो लुब्रिकेशन के भी फंक्शन है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो कूलेंट के ज़रिए से हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे अगर हम इसमें देखें तो टाइप्स ऑफ लेथ, टाइप्स ऑफ लेथ के अंदर सबसे पहले आप प्रिसीजन लेथ और टूल रूम लेथ हो सकती है, टैरेट लेथ है, ऑटोमेटिक स्पीड लेथ, इंजन लेथ, बेंच लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ। स्पीड लेथ क्या होती है? स्पीड लेथ सबसे सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें जस्ट आपने किसी भी वर्क पीस को आपने मोटर को यूज़ करके उसको रोटेट करवाना होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है ना वो एक ये लेथ मशीन है, और इसमें कोई जो है ना वो कॉम्प्लेक्स इसके पार्ट्स नहीं होते, ये इसकी एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दो सेंटर्स के दरमियान में किसी भी अगर फॉर एग्जांपल ये आमतौर पे जो वुड के बड़े बड़े बार्क्स होते हैं या वुड के स्टेम होते हैं उनकी उनको बिल्कुल फर्स्ट रफ कट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी जो है ना उनको स्मूथ करने के लिए, ताकि उसको सिर्फ रोटेट करवाया जाए और ये टूल को उसको यूज़ करके यहाँ से हम हैंड हेल्ड किसी भी टूल के साथ वुड वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड लेथ है, सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, इसमें कोई जो है ना वो क्रॉस स्लाइड नहीं है, इसमें कोई जो है ना हेड स्टॉक के ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट यहाँ से मोटर और मोटर ने इस हेड स्टॉक के ऊपर लगे हुए इस चक टाइप इस पार्ट को रोटेट करवाना है, और इसी के ज़रिए से जो है ना वो वर्क पीस कोई भी है वो रोटेट करता है, और अगर आप देखें तो ये इस तरीके से काम करता है। सेकेंडली अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास आती है सेंटर लेथ और इंजन लेथ। तो ये जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिखाई ये सेंटर या इंजन लेथ की एग्जांपल है, तो ये वाली जो टाइप है ये सेंटर लेथ या इसे इंजन लेथ भी कहते हैं, हमारे पास भी लैब में यही मशीन पड़ी हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बेंच लेथ है। बेंच लेथ ये मिनीचराइज्ड लेथ लेथ मशीन होती है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि बड़ी लेथ मशीन का जो है ना वो एक छोटा मॉडल होता है, और ये बिल्कुल छोटे पार्ट और ज़्यादा प्रिसीजन के लिए जो पार्ट यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये बेंच के ऊपर इस लेथ मशीन को लगाया जा सकता है। ये इसकी जो है ना वो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। ये देखें इसमें लगी हुई है, ये बिल्कुल इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी कम से कम होता है, और बिल्कुल छोटे से पार्ट को यहाँ पे माउंट करके और उसके साथ जो है ना वर्किंग की जा सकती है, सही है। बेसिकली है ये लेथ मशीन लेकिन छोटे साइज़ की है, और बेंच के ऊपर माउंट करके इसको यूज़ में लाया जा सकता है, इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से टूल रूम लेथ जो होती है ये लेथ मशीन की वो टाइप है जिसके अंदर हम बेसिकली स्पिंडल स्पीड्स की बहुत ज़्यादा रेंजेस अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम 2500 आरपीएम तक हम इसमें अचीव कर सकते हैं। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रिसीजन वर्क के लिए यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने टूल्स बनाने हैं, डाइज बनानी हैं और गेजेस बनाने हैं, या मशीनिंग वर्क ऐसा करना है जिसमें आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर आप टूल रूम लेथ यूज़ करते हैं। इसकी अगर आप पिक्चर देखें तो ये इसकी टूल रूम लेथ की पिक्चर है, ठीक है। इसमें यह कंपार्टमेंट होता है, ये